कल तूने अपुन के दो लोगों को गिरफ्तार किया था। उन दोनों को अभी के अभी छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये बम फट जाएगा। नहीं करता। जैसी तेरी मर्जी। बंद करो, चले जाओ यहाँ से, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। चमको, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मतलब ये सब कुछ एक मजाक था। हम्बे, आप हमारे इस चाल में फंस गए घोड़े सिंह जी। चमको, आदमी धोखा वही खाता है जहाँ उसे भरोसा होता है, और मैं तुम्हारे इस चक्कर में इसलिए फंसा क्योंकि बात तुम्हारी जान की थी और कुछ नहीं। ओ प्लीज कोड़े सिंह जी, अब ना ऐसी बड़ी बड़ी बातें मत करो। बेस्वाद सब्जी में धनिया डालने से उसमें स्वाद नहीं आ जाता। अब ये बात तो कंफर्म है कि हम सब ने मिलके आपको बेवकूफ बना दिया है। बट इट्स ओके यार, मतलब होता है, हर कोई जिंदगी में कभी ना कभी बेवकूफ बनता है। बस बेवकूफ बनाने वाले को सही तरीका और सही वक्त का अंदाजा होना चाहिए। कोड़े सिंह जी, होशियारी अच्छी बात है, इस जमाने में हर किसी को थोड़ा बहुत होशियार तो होना ही चाहिए, लेकिन वो होशियारी भी किस काम की जो अपनी अकल खा जाए। वैसे वो कौन से तीन लफ्ज थे जो आप मुझसे कहना चाहते थे? आए 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 लव। मुझे तुमने जो ये प्रैंक खेला मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आई लाइक इट। मनोहर काका, ये छोटे मालिक का कमरा है ना? छोटे मालिक? कौन छोटे मालिक? हमारे छोटे मालिक आदि बाबा, ये उनका ही कमरा है ना? हाँ, ये घर तो उन्हीं का है, लेकिन आप कौन है? अरे काका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहाँ, इस दुनिया में या तुम्हारे घर पे? अगर तुम्हारा सवाल ये है कि तुम इस दुनिया में क्या कर रहे हो, तो हमारा जवाब ये है कि हम काका टाइप के लोग जल्दी ऊपर नहीं जाते। और अगर तुम्हारा सवाल ये है, यानी कि तुम ये पूछ रहे हो कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, तो हम अफसोस जताने आए हैं तुम्हारे जन्मदिन का। हाँ, आज आपका जन्मदिन है? मैंने आप रिटर्न ऑफ द डे कोडी सिंह जी। बर्थडे हैप्पी हो सर। बहुत बहुत बर्थडे मुबारक हो। क्या बात है। थैंक यू डीआईजी। थैंक यू चमकू। गयो हाथ गयो। पर काका जी, कैसी बातें नहीं कर रहे हो आप? सर को आज बर्थडे है और आप अफसोस जता रहे हो, ये तो गलत बात है गई। नहीं यार, तो खुशी का मौका है। तो इसमें खुशी की कौन सी बात है? जिंदगी में से एक साल कम हो गया, मौत की तरफ एक कदम और बढ़ा दिया, और तुम पूछ रहे हो कि अफसोस क्यों जता रहे हो, तो तुम ही बताओ इसमें खुशी की कौन सी बात है? बड़े नेगेटिव टाइप के आदमी काका जी, कैसा भयानक मंजर खींचा जन्मदिन को, अच्छे खासे खुशी के मौके को मातम में बदल रहे हैं, बताओ। अरे हर बात का नकारात्मक पहलू ढूंढ लेते हैं। वैसे नाम इनका मनोहर काका है, लेकिन सब लोग मनुष्य काका कहते हैं। मनुष्यत के भंडार हैं, जहाँ से जाते हैं वहाँ कोई ना कोई मनुष्य घटना हो जाती है। पर ये पुरानी हवेली है कौन? रुक जा, बताता हूँ। काका, आप इतनी दूर से यहाँ क्या करने आए? मैंने आपको मना किया था ना यहाँ आने के लिए। वो भी ऐसी लालटेन लेकर, इतनी भरे दोपहर में अंधेरा थोड़ी है यहाँ पर। पुरानी आदत है ये, 500 साल से यही तो करते आ रहे हैं हम। जाके पोकी भैंस, 500 साल पुराना आदमी है जी। पुरखों की बात कर रहे हैं,
अपने पुरखों के जमाने से ये लोग हमारी सेवा करते हैं, हमारे परिवार की, इनके बाप दादा और सबके सब ऐसी लालटेन लेके घूमते हैं दिनों या रात, और सबके सब थोड़े से। वैसे काका आप यहाँ पर आए क्यों हैं? तुम जानते हो मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? तुम्हारे दीपक चाचा की अंतिम इच्छा। अरे क्या अंतिम इच्छा, अंतिम इच्छा लगा रखा है आपने? अरे कितनी बार आपको मैंने बोला है कि दीपक चाचा और अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं कई साल पहले वो घर छोड़कर और रिश्ते तोड़कर यहाँ पर आया हूँ, और जब कोई रिश्ता ही नहीं है काका तो फिर आई की अंतिम इच्छा? अब नफरत करने से क्या फायदा, जाने वाला तो चला गया, अब बस पूछते नहीं बंगले पर आकर उसकी इच्छा पूर्ण कर दे, ताकि उसकी भटकती हुई आत्मा को शांति मिले। आखिर में वो तुम्हारे चाचा थे। चाचा थे? ऐसे होते हैं क्या चाचा? चलिए काका, 1-2 चाचा चा, आप निकलिए। अरे भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ, माफ कर दे उन्हें। आप मुझे माफ कर दीजिए काका, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है चाचा में, परिवार में, घर में, इसमें उसमें, कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे उनकी अंतिम इच्छा में। मैं आपको बोल रहा हूँ मुझे माफ कर दीजिए और आप यहाँ से जाइए प्लीज। और इतनी दूर से आए कुछ पानी वानी पियेंगे? पानी नहीं पियेंगे, पानी में कीटाणु होते हैं, पता चला हमने पानी पिया और वहां पे हमारे मुंह में गंगा जल। चलता हूँ। ठीक है चलिए निकलिए, मतलब आराम से जाइए। हाँ चलता हूँ। बस सिर्फ इतना कहना था, चलता हूँ। अगर संभाल के जाना। हाँ बहुत संभल के जाऊंगा। अरे मैया रे, कितनो मनहूस आदमी हतो सच में, जाते जाते भी मनहूसियत फैला के नहीं गया है, लगी तो ना है सर? नहीं नहीं मैं ठीक हूँ यार, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। कौन था वो अजीब आदमी? मनहूस काका, मतलब मनोहर काका, हमारे घर के पुराने सेवक हैं। अच्छा, और वो दीपक चाचा, पुश्तैनी बंगला, अंतिम इच्छा, वो सब क्या था? देखो तुमको जिस गली जाना ना हो ना तो उसका पता नहीं पूछना चाहिए, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है इसलिए मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। हाँ लेकिन मतलब जानना तो बनता है ना, कि मतलब ऐसा क्या हो गया था कि आपने अपने सगे चाचा के साथ सारे संबंध तोड़ दिए और अब इतनी नफरत है आपके दिल में उनके लिए कि आप उनकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं करना चाहते? वैसे क्या थी उनकी आखिरी इच्छा? उनकी आखिरी इच्छा है कि मैं अपने पुश्तैनी बंगले में जाकर एक बार अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूं, अपना जन्मदिन मनाऊं। Which is not possible. वो होगा नहीं। क्यों? क्यों क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं उस घर में जाके कभी नहीं रहूंगा जहां पर दीपक चाचा जैसा आदमी रहता था। ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे दीपक चाचा ने? सुनना चाहती हो? हाँ। तो सुनो। रे जी, तो कितने का हो रहा है? था 21 साल का होगा, हूँ पूरा बालिग। बालिग है ना? अम्बे। तो सुन, एक दिन दीपक चाचा चंपा को लेकर चंपत हो गए जवानी के दिनों में। वो दीपक चाचा आदरणीय पूजनीय मेरे दीपक चाचा। चंपा कौन? अरे मेरे घर की नौकरानी। हाँ अरे चाची, पता है कैसे बिलक बिलक के रोई है वो, फूट फूट के रोई है, क्या सदमा लगा है चाची को। चाचा के जाने को? अरे नहीं, चंपा के जाने का। अरे एक तो नौकरानी मिली थी बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांग के घर में, सारा घर का काम वही संभालती थी और उसको भी चाचा लेके निकल गए, और मनोहर काका उन पे तो मानो आसमान टूट पड़ा हो। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, चंपा को लेकर गए दीपक चाचा, तो फिर आसमान मनोहर काका के ऊपर क्यों टूटा? अरे चंपा कौन थी? कौन थी? मनोहर काका की पत्नी। 2 साल हुए नहीं शादी करके घर में लेके आए, और यहाँ दीपक चाचा और चंपा का लफड़ा शुरू। अरे कभी किसी को पता ही नहीं चलता इन दोनों के अफेयर के बारे में, किसी को पता ही नहीं चलता अगर चंपा का बच्चा नहीं होता। अब ये बच्चा को अफेयर थे का कनेक्शन? हाँ। अरे बच्चे के ठुड्डी पे लाल मस्सा था और हमारी पूरी हवेली में,
पूरे घर में एक ही आदमी के ठुड्डी पे लाल मस्सा था, बोल कौन? मनोहर काका। दीपक चाचा मंदबुद्धि है, चाके भुप्पो की भैंस, मतलब वो बच्चा जो होता वो दीपक चाचा के दिया को दीपक होता। और मैं क्या बोल रहा हूँ, तभी तो छोड़ के आ गया सब कुछ, घर बार पैसा वैसा सब कुछ, आप पीट पीट अपने आप और पीट। देखिए कोड़े सिंह जी, हम मानते हैं कि जो भी हुआ बुरा हुआ गलत हुआ, लेकिन गलतियां तो हम सबसे होती है ना। अब उस बात की सजा एक इंसान जाने के बाद भी आप उसे देते रहो, ये कौन सी समझदारी है? मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने चाचा के पुश्तैनी बंगले पर जाकर अपना जन्मदिन वहां पर मनाना चाहिए और उनकी अंतिम इच्छा पूरी करनी चाहिए। देखिए किसी आत्मा को मोक्ष दिलवाना इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता। और जितना मैं आपको जानती हूँ, जिस दिल में इतना प्यार हो वो किसी से नफरत कैसे कर सकता है? सब ठीक है? यहाँ तो सब ठीक है। मैं पूछना चाहती थी कि अगर आप चाहे तो मैं आपके साथ वहाँ आ सकती हूँ। आप साथ हैं तो फिर तो प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं है। आपको ऐसा लगता है ना कि मुझे मेरे पुश्तैनी बंगले में जाकर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए? हाँ तो फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है, फिर चलते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ये कर दी ना कोड़े सिंह जी वाली बात। अच्छा मैं 2 मिनट में तैयार हो कर आती हूं। ठीक है ठीक है ठीक है। ये जी मैं क्या कह रहा था? ना 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 ना, हम कहीं ना आ रहे, हमें कोई पुण्य कमाने की जरूरत ना है, हमारा चाचा भी जिंदा है और हमारे घर में कोई खूबसूरत नौकरानी भी ना है। आपको बर्थडे है, आप सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो, हैप्पी बर्थडे। अरे थैंक यू डिया जी, मैं तो बस इतना कह रहा था। चल निकल निकल निकल, चल चल। और कभी कभी तो बरसातों में बड़ी खतरनाक जगह है, फंस जाते हैं लोग यहाँ पर, हफ्ते हफ्ते तक निकल नहीं सकते आप यहाँ से। वाओ, अगर हम दोनों यहाँ एक हफ्ते के लिए फंस गए तो कितना मजा आएगा ना। एक्चुअली चमकू ऐसा मत बोलो, वापस जाके बहुत सारा काम भी तो करना है। वैसे तुम अगर जिद नहीं करती तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। आपने मेरी जिद सुनी इसलिए थैंक यू। चलो चलो अंधेरा हो जाएगा, चलो। हाँ। हाँ। अरे घबराओ मत। आपका ये पुश्तैनी बंगला तो बाहर से काफी डरावना लग रहा है। दीपक चाचा चले जाने के बाद यहाँ पर सिर्फ मनोज काका और उनकी मनुष्यत रहते हैं। आओ अंदर चलते हैं। ये जरा शायद घंटी काम नहीं कर रही होगी। मनोहर काका, मनोहर काका। अरे क्या मनोहर काका, डरा दिया आपने। आओ आदि बाबा आओ, मैं तुम्हारी राह देख रहा था। ये बंगला काफी सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, अंदर आओ। दरवाजा तो आप ही खोलेंगे ना, अंदर के आइए। खोलेंगे ना, बंद थोड़ी ना रखेंगे। अरे क्या हो गया? अरे मनो काका से डरावने दिखते वैसे है नहीं। आजा आजा तो टेंशन वाली कोई बात नहीं चमकू, ये तो मेरा पुश्तैनी घर है। अरे यार क्या है ये,
अरे जला भी लिया करो कभी इसे। मालिक कुछ कहा आपने? लालटेन की बात कर रहा हूँ काका, कभी जला भी लिया करो, हमेशा बुझा के रखते हो। दादाजी ने एक बार जलाई थी, आग ने धोती पकड़ ली, दादाजी और धोती दोनों स्वाहा हो गए। अरे तू धोती जलने के डर से क्या अंधेरे में भटकते रहे? तो एक काम करो, बिना धोती पहने लालटेन जलाया करो, मतलब पैजामा पहन के जला ली करो काका। देखो ना इतना अंधेरा हो रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सबसे बड़ा सरप्राइज तो आपको देख क्यों हुआ मैं? हैप्पी वाला बर्थडे जी, हैप्पी वाला बर्थडे। थैंक यू जी, थैंक यू। लेकिन सर ये सब कुछ, ये सब छोड़ो, अभी फ्रेश होकर आ जाओ, पार्टी का मूड बना है, सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। मुझे ये कहना है कि आप सब लोग नवेज न नॉन वेज, तुम दोनों का हो गया तो मैं बोलूं बेटर। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सब लोग यहां आए उसके लिए थैंक यू, और मैं आप लोगों का ये प्यारा सा गिफ्ट यहां आने का ये जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाऊंगा। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू बोलना है तो उसको बोल चमको को। चमको? हाँ ये सारा प्लान उसी का ही था। तेरे को इधर लाने की बात करने के बाद इसने सबको फोन किया और हम तुझसे पहले वाली फेरी में यहाँ पहुंचे तुझे सरप्राइज देने के लिए। अरे ये बात तो मैं आप सबको देखती समझ गया था, और थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग फॉर माय बर्थडे। अभी समझे है ना बात को, आगे ना रात को, अब जल्दी से केक काट, भूख लगी है पूरी बारात को। क्या केक से सुना पेट भरेंगे, खाना भी तो है। ए, बंद कराओ। अरे कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, बंद कराओ। क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? क्या बोले? बोले शुरुआत यहां से हुआ है। लीजिए सर, सबसे पहले केक मैं आपको खिलाऊंगा। काका केक। आज तेरे दीपक चाचा की आत्मा को शांति मिली होगी। ललिता भाभी, ललिता भाभी, ललिता, ललिता जी, ललिता, ललिता, सर ललिता गायब हो गई, ललिता। जे तो होनो ही हतो साहब, ये जो खड़े हैं यहाँ पर मनहूस काका, ये जहां भी जावे ना
मनहूस घड़ी चालू हो जावे वहां पे। अरे हमने तो कही थी आप लोगों ने। बराबर है, तूने कहा था ये मनहूस काका ही यहाँ पर लोलिता के बाजू में खड़ा था। बता मेरी लोलिता कहाँ है बता। अरे बॉस, अरे उम्र का ख्याल कर यार, ललिता कहाँ जाएगी, होगी यही गई। आदि सर तुम बाहर जाओ। हाँ सर मैं यहाँ। भैया जी हमें सर तुम बाथरूम होकर आओ। हमें तो आई ही ना है। अरे ललिता को ढूंढो। अच्छा वैसे बॉस तुम बीच की तरफ जाओ। मैं भी ढूंढूंगी ललिता को, मैं अकेली यहाँ खड़ी रहकर क्या करूंगी। जहाँ मेरा चार्टर वहाँ मैं। तो अफ्रीका जाओ। अफ्रीका क्यों? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.